नमस्कार दोस्तों, वर्धमान नेट के चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। आज मैं लेके आऊँ 30 KVA सिंगल फेस का किर्लोस्कर का ओपन डीजल जनरेटिंग सेट, जो कि छत्तीसगढ़ जा रहा है दोस्तों डीजे वाले भाई के लिए। पूरे शोरूम कंडीशन में हमने ये जनरेटर रेडी कर दिया दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं अभी चैनल जनरेटर को स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा, 100% लोड डाल के भी दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल है, जो कि हम लोगों ने इनहाउस बनाया दोस्तों, बॉक्स टाइप का, कस्टमर की डिमांड पर, ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए। पूरा पैनल हमने अपनी फैक्ट्री में बनाया दोस्तों। इसके अंदर एक VF लगा है, जो वोल्टेज एम्पियर फ्रिक्वेंसी आर्ट्स बताएगा। ये एम्पियर मीटर है, ये टेम्परेचर मीटर है, ये AC इंडिकेटर है, ये चाबी स्विच है, और ये DC इंडिकेटर है दोस्तों। पूरा पैनल इनहाउस बनाया है, मैं अभी आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। प्रॉपर वायरिंग की गई है इसका। ये पानी वगैरह बरसात वगैरह से पूरे सारे मीटर को बचाएगा, ताकि वो खराब ना हो दोस्तों। इसलिए हम लोगों ने बॉक्स टाइप का पैनल बनाया है, कस्टमर की डिमांड पर। बहुत शानदार पैनल है दोस्तों ये। अब मैं खोल के भी आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। प्रॉपर हम लोगों ने इसके अंदर वायरिंग करी है। सारी वायरिंग के अंदर आपको नंबरिंग मिलेगी, जिससे आप आसानी से कल को कोई प्रॉब्लम आए तो आप ठीक कर सकते हैं। बहुत शानदार पैनल है दोस्तों ये। वोल्टेज एम्पियर फ्रिक्वेंसी आर सारी चीज़ें आपको बताएगा, टेम्परेचर भी आपको बताएगा, बैटरी चार्जिंग का इंडिकेटर भी करेगा ये। ये बहुत शानदार पैनल है दोस्तों। इसके अंदर हम लोगों ने 65 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया है, देख सकते हैं आप। इसको 2 क्लैंप्स के साथ हम लोगों ने टाइट किया, ताकि बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना आए, क्योंकि वाइब्रेशन से टंकी लीक हो जाती है। और इसके अंदर हमने फ्यूल गेज भी लगा हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कितना डीजल है टंकी के अंदर। सारे हाइड्रोलिक के हम लोगों ने इसके अंदर डीजल पाइप लगाए हैं दोस्तों, जैसा हर जनरेटर में हम लोग लगाते हैं। ये किर्लोस्कर का 3 सिलेंडर का इंजन है, बहुत शानदार जनरेटर है दोस्तों ये। सारे EPDM के हॉस पाइप लगे हैं, ओरिजिनल जनरेटर के साथ की चोली के क्लैंप लगाए हैं हम लोगों ने, जेनुअन। सारी चीज़ें आपको 1 नंबर की मिलेगी। फैन बेल्ट भी हम लोगों ने फैनर की लगाई है, जैसा हर जनरेटर में लगाते हैं हम लोग दोस्तों। ये 3 सिलेंडर का इंजन है, RB33। ये देख सकते हैं जेनुअन प्लेट लगी हुई है, कंपनी की ओरिजिनल ही। बहुत शानदार जेनसेट है दोस्तों, 40 हॉर्स पावर का इंजन होता है ये। ये 100% रोड पर भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। इसका साइलेंसर है। ये 3 सिलेंडर इंजन है दोस्तों, जिसके अंदर तीनों लाइनर, पिस्टन, पंप, नोजल हेड, सारा हम लोगों ने मेजर ओवरलिंग का काम किया है, ताकि 100% लोड ले। ये देख सकते हैं 29.5 किलोवाट और 40 हॉर्स पावर का इंजन है दोस्तों ये। बहुत शानदार इंजन होता है ये किर्लोस्कर का, 100% लोड लेके चलता है। मैं भी आपको 100% लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रॉपर हम लोगों ने इसकी वायरिंग करी है, हैवी ड्यूटी हम लोगों ने इसके अंदर बेस लगाया दोस्तों, देख सकते हैं 6 पहिए वाला, ताकि बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना हो। टंकी के स्टैंड में भी हम लोगों ने नट बोल्ट दिए हैं, ताकि आप आसानी से खोल सकें दोस्तों। पैनल भी जो है नट बोल्टों के थ्रू टाइट है, अगर आपको कोई काम करना हो तो आप आसानी से खोल भी सकते हैं। इसके 30 KVA सिंगल फेस का इसमें ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, हैवी ड्यूटी रेडिएटर लगा है जेनुअन। ये देख सकते हैं आप, इसके हमने प्रॉपर इसके अंदर सपोर्ट दिया, ताकि बिल्कुल वाइब्रेशन ना आए। इसके अंदर दोनों तरफ सपोर्ट दिया दोस्तों। बेस भी हम लोगों ने इसका बड़ा बनाया, देख सकते हैं आप, ताकि रेडिएटर गाड़ी में टकराए ना दोस्तों। दोनों तरफ से हम लोगों ने बेस बढ़ा दिया, अल्टरनेटर साइड से भी और रेडिएटर साइड से भी, ताकि बिल्कुल भी टकराने की गुंजाइश ना रहे। ये इसका कूलेंट बॉटल है, जिसके अंदर कूलेंट डाल के दिया हुआ है हम लोगों ने। सारी चीज़ें दोस्तों कंप्लीट करके भेजते हैं, केवल आपको बैटरी लगा के स्टार्ट करना रहता है। ये देख सकते हैं इधर भी सपोर्ट दिया हुआ हमने प्रॉपर रेडिएटर को, ताकि बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना आए। ये देख सकते हैं अल्टरनेटर वगैरह की प्रॉपर सर्विस की जाती है। ऑयल फिल्टर भी हम लोगों ने इसमें जेनुअन लगाया है, देख सकते हैं किर्लोस्कर का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर लगाया है। 100% सामान दोस्तों जेनुअन लगाया जाता है, ताकि किसी टाइप की कोई दिक्कत ना आए। देख सकते हैं आप, सारे स्टिकर वगैरह जेनुअन लगे हुए हैं। वायरिंग के अंदर प्रॉपर फ्यूज़ दिया हुआ है, ताकि वायरिंग जले ना दोस्तों। हैवी ड्यूटी बैटरी की लीड दी है। ये इसका बैटरी स्टैंड है, जो नट बोल्टों के थ्रू टाइट है, ताकि आप आसानी से खोल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। कुछ भी आप हमारे जनरेटर में कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। देख सकते हैं प्रॉपर स्टिकर वगैरह लगा दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा अपने दोस्तों में शेयर भी करें दोस्तों, और दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ये AVR टाइप ऑल्टरनेटर दोस्तों, जेनुअन किर्लोस्कर का सिंगल फेस का 30 KVA का। ये साइलेंट जनरेटर है दोस्तों, कैनोपी में से निकाला हुआ, जिसे हमने बिल्कुल शोरूम कंडीशन में तैयार कर दिया है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। इस जनरेटर की कीमत है 1,55,000 रुपये दोस्तों, 1,55,000 में मिल जाएगा। डीजल फिल्टर भी पूरे लीटर का लगा हुआ है, ओरिजिनल चूड़ी वाला। इसके अंदर 2010-11 मॉडल का जनरेटर दोस्तों। इसका बैक का पाइप है, जिसमें से गैस निकलती है इंजन की। पूरा शानदार जनरेटर शोरूम कंडीशन में रेडी हो गया है। मैं भी आपको चालू करके 100% लोड डाल के भी दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जनरेटर को। इसके पैनल पर हम लोग आ गए हैं, चाबी से स्टार्ट हो जाएगा अभी। ये देख सकते हैं हाफ सेल्फ में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। VF मीटर भी चालू हो चुका है, सारे पेट्रो के अंदर लाइट भी जल चुकी है, ताकि आप अंधेरे में देख भी सके दोस्तों। कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी आपको, कोई फालतू नॉइज नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है। 1 नंबर का इसका इंजन का हम लोगों ने काम किया है। अभी 100% लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। देख सकते हैं बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा आपको। रेडिएटर के अंदर भी देख के लग ही रहा है कि जनरेटर चल रहा है, बिल्कुल सुपर
बिल्कुल भी सुपर जेनसेट रेडी हो गया, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगी किसी टाइप का, कोई नॉइज़ नहीं मिलेगा। अभी 100% लोड डालने वाले हम लोग, 110 एम्पीयर के आसपास इस पर लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं टंकी वगैरह कहीं भी कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी आपको, ना पैनल में वाइब्रेशन मिलेगी, ना कोई लीकेज मिलेगी। देख सकते हैं आप सारे पैरामीटर प्रॉपर काम कर रहे हैं, 239 वोल्टेज आ रहे हैं, 51.5-51 के आसपास फ्रिक्वेंसी है दोस्तों। टेम्परेचर मीटर वगैरह सब प्रॉपर काम कर रहे हैं, सब में लाइट भी जल गई है। अभी हम इकट्ठा 100% लोड डालेंगे हीटर का दोस्तों, देख सकते हैं आप पूरा शोरूम कंडीशन जैसे रेडी होगा। ये इस टाइम 100% लोड पे जनरेटर चल रहा है दोस्तों, साइलेंसर का पेंट भी जलना चालू हो गया, देख सकते हैं पूरा पेंट अच्छी तरह जल रहा है, पूरा हीट हो गया साइलेंसर, धुआं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, इंजन में से कोई धुआं नहीं आ रहा। ये जो धुआं आ रहा है ये साइलेंसर के पेंट के जलने का धुआं आ रहा है दोस्तों, जो अभी थोड़ी देर में बिल्कुल जल के साफ हो जाएगा धुआं भी। 110-112 इस टाइम ये जनरेटर चल रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इस बात पे एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक करने में कंजूसी ना करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ये छत्तीसगढ़ जा रहा है दोस्तों जनरेटर डीजे वाले के यहाँ, ये देख सकते हैं 112 एम्पीयर लोड इस टाइम इस जनरेटर पर चल रहा है, जो कि 100% लोड होता है दोस्तों। लाइट पर 5-7 एम्पीयर ही फालतू लेके जाएगा, हीटर का हम लोगों ने लोड डाला हुआ है जो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हीटर गर्म होते हैं थोड़ा थोड़ा लोड कम होना चालू हो जाता है। देख सकते हैं प्रॉपर टेम्परेचर भी आ गया इंजन के अंदर, इस टाइम 100% रोड पे जनरेटर चल रहा है और परफॉर्मेंस आपके सामने है। साइलेंसर का पेंट भी जल चुका है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआं नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, बिल्कुल भाप भी नहीं है, एक आवाज़ में इंजन चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलेगी दोस्तों, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। 1,55,000 रुपये का जनरेटर मिल जाएगा आपको डिजिटल पैनल के साथ में दोस्तों। देख सकते हैं प्रॉपर हैवी ड्यूटी रेडिएटर लगाया कंपनी के साथ के, ताकि बिल्कुल भी हीटिंग वगैरह ना आए, पूरा एक नंबर का काम हुआ है दोस्तों जनरेटर का। पूरा इंजन मेजर ओवरऑलिंग किया है हम लोगों ने, बिल्कुल भी बैक नहीं मिलेगी आपको, देख सकते हैं बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है। इसको कहते हैं क्वालिटी दोस्तों, एक नंबर का हम लोग काम करते हैं, तभी हमारे जनरेटर की क्वालिटी ऐसी आती है, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। पूरा जेनसेट ये शोरूम कंडीशन में रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप 106 एम्पीयर लोड आ चुका है इस टाइम जनरेटर के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी भी दिखाया था 50 फ्रीक्वेंसी सेट है, 238 वोल्टेज है, देख सकते हैं वोल्टेज भी बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुए हैं और फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल एक है। अब लोड हटा दिया है इस पर से दोस्तों, अब हम जनरेटर को बंद करके पैक करके डिलीवर के लिए तैयार करेंगे दोस्तों। ये जनरेटर बिल्कुल रेडी है छत्तीसगढ़ जाने के लिए, पूरा एक नंबर का काम हुआ है इसका, क्वालिटी आपके सामने है दोस्तों, हर तरीके से आप देख सकते हैं, कहीं से कोई लीकेज नहीं है। इस लीवर को दबाने से जनरेटर ये बंद हो जाएगा दोस्तों, और ये जनरेटर बंद हो चुका है दोस्तों आपके सामने। पैनल पे भी देखेंगे तो देख सकते हैं बैटरी का इंडिकेटर जल चुका है, हम लोग चाबी ऑफ कर देंगे इसकी, ये चाबी ऑफ कर दिए। जनरेटर डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों, अब इसे हम पूरा प्रॉपर पन्नी से पैक करके TCR ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑल ओवर हमारी इंडिया में सर्विस है, जहाँ पे भी कहेंगे जनरेटर आपको उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। बहुत सस्ते भाड़े में जनरेटर ले जाते हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस है, ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जेनसेट प्रॉपर हम लोगों ने पैक कर दिया अच्छी तरीके से, सारे गत्ते वगैरह लगा के पैनल वगैरह सब हमने खोल दिया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कई बार डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए पैनल वगैरह जो चीज़ टूटने वाली होती है खोल के अच्छी तरह से पैक करके भेज दी जाती है कस्टमर के पास। देख सकते हैं चारों तरफ से गत्ता लगा के अच्छी तरह पैक कर दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दिए गए नंबर पर जल्द से ऑर्डर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे दोस्तों, जय जिनेंद्र, नमस्कार।